मम्मी ये क्या कर रही हो आप? आप हमारे साथ साथ इस बेचारी को भी घसीट रही हो? इसकी गलती ही क्या है? आपने क्यों मारा इसे? बताइए हाँ? कहा था ना कि चुप रहना, मत पढ़ना ये सब में। खुद में जरा सी भी अकल नहीं और पारस को बहकाने चली थी आप। हो क्या गया है आपको बबीता? आप अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं क्या? हम बड़ों से बेहतर अच्छा बुरा जानती हैं आप। बस बहुत हो गया, लाइए ये यहाँ पे। आज के बाद ना आप किसी से बात करेंगी और ना किसी से मिलेंगी। समझ में आ रहा है आपको हम क्या कह रहे हैं? चाहिए पारस, बेटा आपकी बहन नादान है, पर आप उसकी बात मत मानिएगा। आप प्लीज मत सुनिएगा कि वो क्या कह रही है। बड़े दिनों के बाद इस घर में एक अच्छा काम होने जा रहा है, प्लीज प्लीज उसे होने दीजिए। हम किसी की बातों में नहीं आ रहे, आप सबको हो क्या गया है? आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैंने माँ जी से पगार के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मतलब अच्छे से बातचीत नहीं हुई, शायद वो शादी को लेके बिजी थी। हाँ, वैसे भी माँ जी सैलरी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं रहने का बंदोबस्त जल्द से जल्द कर लूंगा। देखो सुरेश, तुम अकेले ही बहुत कुछ झेल चुके हो, अभी प्लीज हमें मदद करने दो। और चाहे एक दिन वहाँ कुछ दिन और सही। देखो तुम जल्दबाजी मत करो, वैसे भी अब लड़की आई को संभाल सकती है। हाँ ये ले चाय पी। तुलिका कैसी है रितु? ठीक तो है ना? पति के छोड़ देने का दुख एक औरत के लिए क्या हो सकता है ना रे? बेचारी आधी हो गई है दुख से। ए, बिचारी किसको बोली मैं? बिचारी बिचारी नहीं है मैं। अरे छोड़ा नहीं है उसने मेरे को। अच्छा फिर वो नीमा के वहाँ कैसे चला गया? साथ में सुनीता ताई भी तो वही है, उसे तो नीमा के नाम से बुखार आ जाता था, फिर ऐसे अचानक उसकी छत के नीचे कैसे जा बसी? मैं भेजी उन लोग को इधर। अरे कितने साल की मचमच है रे हम लोग की। पर पति किसका है वो? मेरा है ना, मेरा ही है। 21 साल का नाता है हमारा, और वो उन लोग का चिरकुट 5 साल का। तो बेफिक्र है रे मैं। पर क्या है ना, उसकी लड़कियों को तो जरूरत है ना बाप की, खास करके अभी जब उनके लिए रिश्ते विश्ते देख रहे हैं। रिश्ते? और नीमा? अरे उसको अपनी लड़कियों के रिश्तों की कब से घाई होने लगी रे? तो क्या झूठ बोल रही क्या मैं? केड़ी हो गई ना, कुछ भी बकवास करी है ना मैं। शांति चाहिए रे मेरे को, इसलिए हम लोग बस साथ में रह रहे हैं शांति से। तुलिका तू जैसे शांत लव लव भाईचारा दिखा रही है ना, वैसा दिख नहीं रहा रे। क्या कितनी बदतमीज है ये तुलिका, आई की उम्र तक का लिहाज नहीं किया, ऐसे कैसे धक्का मार सकती है? आई आई ठीक तो है ना? पहले थोड़ी गुस्सा थी पर अब ठीक है। अरे जिंग जिंग जिगट जिंग जिंग जिगट जिंग जिंग जिगट जिंग जिंग जिगट जिंग जिंग जिगट। आपको उनकी मीठी मीठी आवाज तो आ ही रही होगी, तो ये ठीक होने का डाउट कैसा? चलो कम से कम वो खुश तो है। वो तो खुश है आई, पर उनकी खुशी ना मुझ पर भारी पड़ रही है। सॉरी माल्या, मुझे वहां होना चाहिए था तुम्हारी हेल्प के लिए, पर यहाँ भी काम पे बहुत टेंशन है। पर आई वहाँ तो शादी चल रही है ना? पर बाबा ये शादी, चलो छोड़ो ये सब, तुम पहले ही वहाँ बहुत कुछ संभाल रही हो। चलो रखती हूँ मैं। हाँ बाय। थैंक गॉड मुझसे नहीं संभलेंगी अबाजी, अब उन्हें तू ही संभाल। बेबी ऐसे रोते रोते तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी तबीयत से किसी को फर्क नहीं पड़ता नहीं आंटी, इस घर में हमसे और पारस भैया से कोई प्यार नहीं करता। ऐसे मत कहिए बीवी, सुमन भाभी की जान बसती है आप दोनों में। जान बसती है इसीलिए आज थप्पड़ मारा ना उन्होंने हमें? हाँ इसीलिए हमने आपको थप्पड़ मारा, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। आजी
आपने मेरी बुक्स भंगार में बेच दी। अरे खोली में जगह नहीं थी, बहुत अड़चन थी, बस थोड़ी जगह बना ली। लेकिन वो मेरे क्लास के नोट्स थे, पूरे साल की मेहनत थी। मुझे क्या पता उसमें लिखा हुआ था क्या, बहुत जरूरी है करके। अरे लिखा रहता ना तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अनपढ़ है, अंगूठा छाप। इन्होंने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया है सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। हाजी प्लीज, आपको यहाँ नहीं रहना है तो मत रहिए, लेकिन ये सब हरकतें मत कीजिए। ए छोटू डेंजो, तेरा घर का घमंड ना तेरे खिसे में रख। तेरी आई आई थी मेरे पास, घर चल करके, तभी आई मैं तो नहीं आती। जा रही मैं अपना सामान बांध के। क्या? सॉरी बेटा, हम बबीता को मारना नहीं चाहते थे, पर अगर हम ऐसा नहीं करते इसका अंजाम और भी बुरा हो सकता था। आपके पापा और दादी उन दोनों को हम पर और बबीता पर शक हो गया था, ये करके हमने उनका भरोसा जीता है। पर मम्मी, दादी और पापा को ये पता लग गया तो आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका दुख है, बस इसीलिए जिंदगी में पहली बार हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे इस फैसले से आज कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है, पर आगे जाकर कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएगी। बेटा ये हमारे खानदानी कंगन है, उसे शगुन के तौर पर हमारी तरफ से दे दीजिएगा। मम्मी आप श्योर तो है? जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सही है। बस बेटा हमें कभी निराश मत करना, प्रॉमिस करो। ये हुई ना बात। बेटा अब आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए ताकि लड़की वालों का हौसला बना रहे, समझे? ठीक 15 मिनट में सहरा बंदी की रस्म का मुहूर्त है, फटाफट रेडियो के नीचे आ जाइए। हेमल अपने दोस्त का ख्याल रखो, समझी? चलिए आप। अब गाड़ी स्पीड से चलाएंगे। अरे चुप कर, थारे भरोसे रहना तो काल भी ना पहुंच पाएंगे, तू चुपचाप बैठ। जी रानी साहब। ये ठाणी साहब चाहे ना चाहे, मारे पारस का ब्याह तो मारे बिना ना होगा। ए देवा, कोई भी नहीं रोकता मुझे, अगर इन लोगों ने रोका नहीं तो मैं जाएगी किधर? बाप रे, सूर्या तो शादी में फंसा है, काम से लेट आएगा। ए रोको ना, हे देवा किधर जाएगी मैं? ए इसका फोन मुझे? भाभी प्लीज शांत हो जाइए। नहीं नीमा, तुम नहीं समझ रही हो, ये हेमल ही है जो पारस की सारी खबर दिनेश जी को दे रहा है। पर कहीं पारस ने हेमल को सब कुछ बता दिया तो वो माँ जी और इनके सामने सारा का सारा भांडा फोड़ देगा। तो भाभी आप किसी भी बहाने बाबा को बुला के सब कुछ बता दीजिए ना। हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हेमल वो पूरे टाइम पारस के साथ चिपका हुआ है,
नहीं नीमा, ये बहुत रिस्की है। तुम बाबा को मैसेज कर दे क्या? नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते। अगर पारस ने हेमल को मैसेज पढ़ने से पहले ही सब कुछ बता दिया तो और अगर ये मैसेज किसी और ने पढ़ लिया तो हम क्या कर सकेंगे? नहीं नीमा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या बात है यार, मुझे लगा तू दुखी होगा, पर तू तो यार एकदम रॉकिंग मूड में है। बता ना बात क्या है। तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी अभी हुआ क्या? बताना क्या हुआ। ये मम्मी दे करके गई है, अभी भी मां लीजिए, जूस पी लीजिए। नहीं नहीं आंटी, नहीं चाहिए। पारस बाबा थोड़ा सा पी लीजिए, अपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आंटी भूख नहीं है। बाबा ने अगर जूस ही नहीं पिया तो ग्लास के नीचे का नोट कैसे देखेंगे? लाइए लाइए, मुझे दीजिए, मैं पी लेता हूँ। पारस बाबा को ग्लास उठाना ही होगा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। बाबा आप भी लीजिए ना, पी लीजिए। अरे यार भाई पी लेना यार थोड़ा सा, फिर बता क्या बताने वाला था। अब जब तक तू जूस पिएगा नहीं, आंटी छोड़ेगी नहीं। हाँ हेमल बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप पी लीजिए ना। ये क्या हो रहा है, नीचे सब वेट कर रहे हैं ना। और ये जूस उनको नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। चलिए अब क्या रे, सूर्यास्त से पहले ही मस्त होने की तैयारी में है तू? बस क्या आई, अपने को टाइम से कब से फर्क पड़ने लगा रे। और क्या आई, क्या खाएगी? हाँ तेरे को अभी चीयर्स वीयर्स नहीं बोल सकती ना मैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखाई है। तो देखिए मैं तेरे को मोमो के साथ, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे। आई इतने साल का नाता है ना अपना, इधर ना घर में तेरी बकबक बकबक सुनने की बहुत आदत है मेरे को, इतना सुना सुना लगा रहा। पर क्या है, पुराना रिश्ता इसलिए तेरे को, पर तेरी कसम से बहुत याद आई खाना। क्या विमला कैसी है? आ देख देख मैं और आई गप्पे मार रही इधर बैठ। तू खाएगी? खाएगी ये गई। क्या रे तुझे क्या लगता है, मेरे कान मेरी नजर सब कमजोर हो गए? ऐसा क्यों बोलते हैं? ये यारी दुलारी जो तू दिखा रही है ना, वो सब बस्ती वालों को दिखाने के लिए। मुझे घर से निकालने से पहले ना सोचने का था, एक दिन खल्लास फिर अचानक दारू का गिलास, सुबह निकाला शाम को वापस बुलाया, मुझे का येड़ा समझाई क्या? बोलना ये तू काय को चिल्ला रही, हल्लो बोलना। मेरे को खाली तेरा ऐसे पराइयों की इधर जाके रहना अच्छा नहीं लगा, बस धीरे बोल। पराया या डेंजो का? अरे हम अगर फुटपाथ पे भी रहते ना, तेरे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ऐसा काय को बोल रही है, ऐसा नहीं है, तू खाली टूटी ना। सुन, सुनीता उधर रहेगी जहाँ उसे इज्जत मिलेगी। आई चला, सुना आई आई ए चला ना आई आई क्या चल चल आई। हाँ जल्दी मिलते हैं, वापिस आई और बैठते। मजा आया।
जल्दी से सेहरा बांधिए, सारा मुहूर्त सेहरा बांधने में ही निकाल दोगे क्या? बहू रानी, आप भी तो मदद करने जा सकती हो, जाइए। पारस, बेटा अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज कुछ करो। यजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दूल्हे के तिलक का टाइम हो गया है। शुभ मुहूर्त में दूल्हे को मंडप में विराजना आवश्यक होता। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए, चलिए। हम बस अभी आते हैं। अरे पारस, अभी अभी तो आए हो, अब कहाँ चल दिए? बाथरूम। दूल्हे राजा नर्वस हो रहे लगता है। आपने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा, शुभ मुहूर्त में मंडप में बैठ जाना बहुत जरूरी है। एक बार तिलक लग जाए ना, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। हाँ चलिए। विष्णु 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 श्रीमद्गौतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अघ श्री ब्रह्मणो द्वितीये। मधु को बुला लीजिए। मिताली आने के पहले भाग जाइए भैया, अभी भी टाइम है, प्लीज भाग जाइए। ये लो, दुल्हन आ गई। अम्मी जी, ऐसा पहली बार हुआ होगा दुल्हन खुद चल के दूल्हे के घर शादी करने के लिए आ रही है। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, अपने ही घर में अपने ही ढंग से हम काबू तो कर सकते हैं। जाइए, उनका स्वागत कीजिए। आइए आइए, स्वागत है आपका। पारस, कहाँ जा रहे हो? आपकी दुल्हन भी आ गई है, अब वरमाला पहनानी है। नीमा, ये पारस तो निकल ही नहीं पा रहा।
हमें डर लग रहा है कहीं ये शादी सचमुच में ना हो जाए। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। ओम तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मीपतितिग्रीयुगम स्मरामि। अब वर वधू को वरमाला पहनाएंगे। पारस बेटा माला पहनाओ। अब आप लोग बैठ जाइए। वर की बहन गठबंधन के लिए आ गया है। रुक जाइए,